नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जब आम आदमी और आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पुलिस थाने ही सुरक्षित न होंगे तो पुलिस आम जनता की रक्षा कैसे करेगी। ताज़ा उदाहरण फतेहाबाद के रतिया सदर थाना का है, जहां थाने के मालखाने से एक 32 बोर पिस्तौल चोरी होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस थाने के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने इस मामले में थाने के मुंशी की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मालखाने से पिस्तौल कैसे बाहर आया किसी को पता तक नहीं। ऐसे में सीधे तौर पर पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने सभी हथियार धारकों को आदेश दिए थे कि वे अपने हथियार थाने में जमा करवा दें। यही कारण था कि हर किसी ने अपने हथियार जमा भी करवा दिए। रतिया के किला मोहल्ला निवासी अशोक कुमार ने भी अपना हथियार शहर थाना में जमा करवाया था। मालखाने की चाबी मुंशी के पास होती है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी हो गए, लेकिन अशोक को अपनी पिस्तौल नहीं मिली। पुलिस कर्मचारियों ने मालखाने में इसकी जांच की, लेकिन पिस्तौल कहीं नजर नहीं आई। अशोक कुमार पिछले कई दिनों से पुलिस के चक्कर काट रहा था। आखिरकार पुलिस ने दिखाया कि मालखाने से पिस्तौल चोरी हो गया है। मामले की जानकारी देते हुए DSP धर्मवीर पुनिया ने बताया कि इस संबंध में रतिया निवासी एक व्यक्ति ने चुनाव के दौरान अपना असला जमा करवाया था, जिस कारण रतिया सिटी थाने की जगह न होने के कारण उसके पिस्तौल को रतिया के शहर थाने में मालखाने में जमा करवा दिया था। लेकिन जब पिस्तौल मालिक अपने पिस्तौल लेने के लिए आया तो मालखाने में उसकी पिस्तौल नहीं मिली और उस मामले में हमने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जो है MHC शहर रतिया का जो है MHC है, उन्होंने कंप्लेंट की है भाई अमानतन जो असला था जो लोकसभा इलेक्शन जो 2019 से उससे पहले जो जमा करवाया था अशोक चिरंजी लाल है रतिया का रहने वाला, उसका असला अमानतन जमा किया गया था CT रतिया थाने में। और सिटी रतिया में असले रखने की जगह नहीं थी, मालखाना नहीं था, तो वो जो असला था सदर थाना जो रतिया है उसमें जमा करवा दिया था। तो 15 तारीख को जो असला मालिक है वो जब असला देने के लिए आया तो वो मालखाने में नहीं मिला। इस संबंध में जो है मुकदमा 380 IPC चोरी का दर्ज कर दिया गया है, वो तफ्तीश की जा रही है। तो क्या कारण पता लगा कैसी ये चोरी हुआ इसको कोई इसके बारे में तफ्तीश करेंगे कि क्या हुआ। और जो है सिटी थाना में जो जगह नहीं थी इसकी वजह से वाहन जमा करवाया गया था ये, और इसके बारे में तो दूसरे थाने से जांच की जाएगी। दूसरे थाने में जमा करवाया गया था। हाँ, शहर थाना जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग है किस्म से, वहाँ मालखाने की जगह उचित व्यवस्था नहीं है, और उसी को देखते हुए सदर थाना जो अपना नया थाना है रतिया का उसमें जमा करवाया गया था 3 अप्रैल 2019 को।